welcome back to my channel. My name is Akshat Gupta and today we are going to do an amazing experiment. इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास, थोड़ा सा पानी, माचिस, प्लेट और एक कैंडल. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरे पास छोटी कैंडल है तो इसलिए मैंने उसको ऊंचाई पर रखा है, और अगर आपके पास थोड़ी बड़ी कैंडल हो तो आप उसको बिना ऊंचाई पर रखे रख सकते हैं. अब हमें इस प्लेट में पानी डालना है और थोड़ा सा ही डालना है. देखिए, अब हमें इस कैंडल को जला देना है. बड़ों की सहायता से भी ये कर सकते हैं. देखिए, अब हमने इस कैंडल को जला दिया है. फिर जो खाली ग्लास है हमें इसको ढक देना है उस खाली ग्लास. तो अब आप देखेंगे जब ये कैंडल बुझ जाएगी तो ये पानी ऊपर आने लग जाएगा. देखिए, आप देख सकते हैं इस वाटर, ये वाटर लेवल राइज हो चुका है और कैंडल बुझ चुकी है. देखिए पानी इस ग्लास में कितना ऊपर तक आ चुका है. गाइस, हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, अब हमको जानना है कि ऐसा क्यों होता है. ये ग्लास के अंदर बने वैक्यूम के कारण होता है. ग्लास के बाहर हवा ज़्यादा होती है और ग्लास के अंदर कम होती है. यह ग्लास के बाहर की और अंदर की हवा में अंतर पैदा करता है जिसके कारण सक्शन इफेक्ट पैदा होता है. ग्लास के बाहर की हवा पानी पर प्रेशर डालती है और पानी ग्लास में तब तक ऊपर उठता है जब तक ग्लास के अंदर और बाहर समान प्रेशर ना हो. तो इसलिए यह पानी ऊपर उठता है. अब एक और बात सोचने वाली है कि यह मोमबत्ती कैसे बुझ जाती है. ऑक्सीजन की कमी के कारण यह मोमबत्ती बुझ जाती है. तो देखिए, ये ग्लास ढका हुआ है इसलिए ऑक्सीजन अंदर कम हो गई और ये मोमबत्ती बुझ गई. तो ऑक्सीजन सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए ही जरूरी नहीं होती है, किसी चीज को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. यह एक्सपेरिमेंट जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि आपको ये कैसा लगा. थैंक यू. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो.